ये बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा भी है और आगे भी मिलेगा। आज हम लोग नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और ये 100 सालों से अधिक का विद्यालय है। आप सोच सकते हैं जिस शिक्षण संस्थान की सेवा इस देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए 100 वर्षों से अधिक से चल रही है, स्वाभाविक रूप से उसके कार्यक्रम से जुड़ के हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यह विद्यालय भी, इसका नाम भी, सब कुछ ऐतिहासिकता से भरा हुआ है। इसलिए हम सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी शुभकामनाएं देते हैं इस नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर कि यहाँ के शिक्षक सही सफल ढंग से पढ़ाएंगे और यहाँ के छात्र छात्रा भविष्य में अच्छा करें। चलिए, हो गया भाई। सर, कुछ 2 दिन पूर्व तक पेमेंट ऐप लॉन्च किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। अरे वो तो बता ही दिए हैं सर, वो 2 दिन दो दिन पहले जो ऐप हमने लॉन्च किया है वो है गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को जो सरकार सहायता देती है। जो बच्चे पिछड़े अति पिछड़े परिवार से आते हैं या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार से आते हैं उनको जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो राशि मिलने में दिक्कत हो रही है। पहले भारत सरकार का जो एक पोर्टल था, चूँकि पूरे देश के लिए एक पोर्टल था तो उस पर दबाव अधिक रहता था, तो हम लोगों ने अपने प्रदेश के लिए कल नया एक पोर्टल बनवाया है जिसको हम लोग PMSP करते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल। उसके माध्यम से अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चे अंतिम तिथि तक जैसे ही आवेदन का कार्य पूरा करेंगे 1-1.5 महीने के अंदर राशि उनके खाते में चली जाएगी, सारी औपचारिकताओं को पूरा कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और गरीब बच्चों को मदद करने के लिए जो उनको सुगमता से मदद मिल जाए उसके लिए एक बड़ा ही प्रभावकारी निर्णय और ऐप है, इसलिए हम लोगों